जी माशाल्लाह बड़ी ताकतवर हुकूमत है और बड़े ताकतवर वजीर आजम हैं। आपने देखा नहीं कमाल किया इन्होंने, प्यूटन सदर मुंतखब हो गए और मियां साहब मियां शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद तक नहीं दी। अमरीका माबदौलत नाराज हो जाता। सदर ईरान आए और ईरान गैस पाइपलाइन पे बात तक की जरूरत नहीं हुई। फिर चाइना के साथ जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कभी आपने कोई बात सुनी इनके मुंह से? अमरीका ने कहा है इस पर बात नहीं करनी है, जबान नहीं खोलनी है। लिहाजा क्या पीती और क्या पीती का शोर बात, हमारी औकाती क्या है कि अमरीकियों के आगे हम सर उठा सके, बल्कि हकीकत पर मबनी हो। ईरान के सदर आए और चले गए, लेकिन हमारे मुसल्लत शुदा वजीर आजम साहब और ईरानी सदर दोनों से हमारी तवक्को थी कौम की कि ये दोनों बैठ के कौम को आगाह करते कि 780 किलोमीटर पे मुश्तमिल जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था, जो 2009 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके लिए 150 मिलियन डॉलर रशिया ने देने का वादा किया और जिसके 80 किलोमीटर हमने 2 सालों में यानी 2011 तक बनाने थे, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। ईरान हमको सबसे सस्ती गैस दे सकता है, हमारे जो गैस के रिजर्व हैं वो 12 साल पाकिस्तान का काम चला सकते हैं। जिस अंदाजे से ये आबादी बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पे गैस पे जो दबाव बढ़ रहा है, तो 12 साल के बजाय ये 8 सालों में, 8 साल के बाद पाकिस्तान में गैस होगी ही नहीं। तो लिहाजा ईरानी सेंक्शन की वजह से और डोनाल्ड लू के गुज़िश्ता माह के इस बयान की वजह से कि पाकिस्तान जो है वो इस गैस प्रोजेक्ट के मंसूबे से बाहर आ जाए, हम अपना नुकसान किए जा रहे हैं। हमें और अगर पाकिस्तान इस मंसूबे पे नहीं जाता है, अमल दरामद नहीं करता है एग्रीमेंट के उस हिस्से की जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे आई होती है, ईरानी पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत पे जोर डाला है कि पाकिस्तान जो है अगर इससे आगे नहीं जाता है तो इसके साथ मामलात को मंत्री अंजाम तक पहुंचा के इस एग्रीमेंट को अंडू किया जाए। इसका खमियाजा हमें 17 बिलियन डॉलर जुर्माने कीमत में अदा करना होगा। तो लिहाजा ये स्टॉक एक्सचेंज कितना जो है पला बड़ा है, इसे बेहतर नहीं था कि हम वेवर लेते अमेरिकन गवर्नमेंट से, वन टाइम वेवर मांग लेते कि जी हमें इन सेक्शन से वेवर दे, हमारी जरूरत है, हम माशी बोझ तले दबे जा रहे हैं। इससे कबल डीजीआईएसपीआई ने जब गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत आई थी और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया था, तो उन्होंने कहा कि देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया और अभी भी ऊपर चला गया। असल सवाल यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने का मईशत की बेहतरी से कोई ताल्लुक है? हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उसका ऊपर जाना नीचे आना इसी तरह अनप्रिडिक्टेबल है जिस तरह इस्लामाबाद का मौसम होता है। अच्छी वाली धूप निकली होती है, दड़ाम से बारिश शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज बुध की है और उछली है, 2 दिन बाद की खबर याद रखो ऐसी गिरेगी। हमारी कोई माशी रोड में है ही नहीं, कौन सा हमारा माशी मुस्तकबिल है? 8 बिलियन डॉलर की आपने आईएमएफ से लोन लेके, जो 8 बिलियन डॉलर सालाना रिमिटेंसिस की मद में आप नुकसान कर रहे हैं, 6 बिलियन डॉलर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आपके एक्सपोर्ट गिर गए, 14 बिलियन डॉलर तो आपका ये नुकसान है, तो ये कहां से पूरा होना है? किसी के पास कोई आइडिया है कौन सा आपका मुआशी रोड मैप? आपकी कोई आपका कोई मुआशी मुस्तकबिल ही नहीं है जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। पाकिस्तान के तमाम बैंकों की और हमारी एफडीआर की और तमाम वसाइल की हैसियत इतनी है कि हम सिर्फ लिए गए कर्जे का सूद जो है अदा करने के काबिल है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले लेने होंगे। आपके ख्याल में वो नापसंदीदा फैसले कौन से हो सकते हैं? नहीं, इनका तो उनके तो सारे फैसले नापसंदीदा हैं। यानी जो अभी ये वजीर आजम बना है, 2 महीने में 3 इन्होंने फैसले लिए हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने ताल्लुकात का सत्यानाश कर दिया। नंबर 2, पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई ईरानी सदर की मौजूदगी में जरूरत तक नहीं हुई कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की लिए आवाज उठा सके, क्योंकि अमरीकियों ने जो है थ्रेट दिया हुआ है कि खबरदार इस पे बात नहीं करनी है। और तीसरा, ये जिमनी इलेक्शन करा दिए। और जो चौथा है, उन्होंने पेट्रोल और गैस और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ा दी है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी। एक भी पसंदीदा फैसला कोई मुझे बता दे। दूरबीन में जाके ढूंढे, 2 साल से जब से पीडीएम हुकूमत में खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा बाजवा के ताउन से, आज तक कोई एक फैसला कोई बता दे जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए उसमें कोई खुशाइन बात।